भाई दो एग्जाम दे चुकी हूँ मैं फाइनली, और अब मैं दो और की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एनीवेज एक ये गाना और एक वो, डरता जहाँ हमसे हम तो उससे डरते। कमेंट करके बताओ तुम्हारा करंट फेवरेट गाना कौन सा चल रहा है, एंड आई विल लिसन एवरीबॉडी। और टेबल तो साफ हो गई, बट द थिंग इज कि मुझे फीवर हुआ, एंड या अभी भी फीवर है मुझे, मैंने दवाई ले ली है एंड अब मैं पढ़ रही हूँ कुछ। अब मैं पढ़ने वाली हूँ रिजर्वर पढ़ रही हूँ मैं अभी, और इसके साथ साथ मैंने जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट है कल ऑफशोर है, उसके मैंने जितने भी जो नोट्स मेरे को चाहिए थे वो मैंने सारे प्रिंट आउट कर लिए, एंड या यही चीज़ है। एंड नाउ वी विल हैव अ स्टडी सेशन। जोधपुर में आने के बाद मुझे आज तक कभी इतना वायरल फीवर नहीं हुआ है, बट हाँ इस बार लग रहा है कि आई एम इन दैट। और देखो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी मिड टर्म्स की, बट स्टिल मेरे को इतना टायर्डनेस फील हो रहा था दवाई लेने के बाद भी। बस मैं ये ख़त्म कर रही थी कि जैसे तैसे मैं कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ दुख रहा था। हेलो एवरीबॉडी, और आज सुबह या फिर मैं कहूँ तो शाम को मुझे इतने तेज चक्कर आ रहे थे, एंड ऐसी हालत हो गई कि बस या तो हॉस्पिटल ले जाओ या फिर बस वही हाथ पैर दुख रहे हैं अभी भी। और अभी तो लाइक स्टिल मैं बैठ पा रही हूँ, मुझे तेज फीवर हो गया था शाम को, मैं पढ़ने बैठी थी उसके बाद मुझे फीवर हुआ हुआ था, फिर उसके बाद लाइक पूरी रात चक्कर आए। आज मेरा एग्जाम है, आई डोंट नो मैं कैसे दे पाऊंगी, इतनी बुरी हालत थी ना अभी एक घंटे पहले। आई वॉज लाइक कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, जस्ट मेरे हाथ पैर जॉइंट उंगलियों के बीच का जॉइंट है ना, ये भी दुख रहा है। मुझे है ना सुबह सुबह जल्दी उठ के कुछ टॉपिक्स कवर करने थे, भाई यहाँ पे वायरल फैल रहा है, मेरे को कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को फीवर हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, एंड आई वॉज लाइक अब तो फिर भी मेरा सर दुखना बंद हो रहा है, बट है अभी तो वो थोड़ा सा है। उस टाइम तो हालत थी कि मैं एग्ज़ाम दूंगी कैसे, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा है। एनी केस अब पढ़ते हैं। फाइनली मेरे मिड टर्म ओवर हो चुके हैं। कल हमने टेस्टिंग भी करवाई थी सारी, और जिसमें मुझे एक चिकनगुनिया है ये पॉजिटिव आया है, और आज मैं पूरे दिन अपने घर पे बैठ के रेस्ट करने वाली हूँ। मेरी उंगलियों के बीच के जॉइंट्स भी ऐसे दुख रहे हैं ना, लाइक सीरियसली। नाउ आई एम हैविंग बनाना शेक, और आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड सेम टाइम, बहुत ही मुश्किल से पिया जा रहा है ये, मेरा सर पूरा दुख रहा है, एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट डेजी एट द टाइम, सो आई थॉट कि ये जल्दी से जल्दी पी के थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेती हूँ। सो आई स्लेप्ट फॉर लिटरली 1 आवर, देन आई थॉट कि थोड़ा सा चलने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले पा रही हूँ। एंड यस दिस इज़ द सीन ऑफ द मॉर्निंग, जोधपुर में हल्की हल्की सर्दी आना शुरू हो चुकी है, मैंने मेरे बाल खोल लिए और ये हल्की सी ठंड के बीच धूप को निहारती हुई मैं, लिटरली ये मेरा बेस्ट पार्ट था दिन का, और इतना अच्छा लगा ना मुझे इस समय। गली बहुत माइल्ड फ्लेवर है, मैं बहुत कम ट्राई कर रही हूँ बोलने का। हेलो एवरीबॉडी, और नाउ आई जस्ट वोक अप, मैं घंटा भर सो रही थी एंड बहुत ही टेरेबल स्लीप थी, मुझे चक्कर आ रहे थे सोते सोते। नाउ आई वोक अप टोटली डिहाइड्रेटेड, और अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मैं नहीं। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग दीज मैनी मेडिसिन, आई हैव ऑल्सो डेवलप एन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ मैं पहले थोड़ा सा पानी पीती थी लिमिटेड, कभी बॉटल ले जा रही हूँ नहीं ले जा रही हूँ, नाउ आई एम अवेयर अबाउट ऑफ ड्रिंकिंग 4 लीटर्स ऑफ वाटर एट लीस्ट, क्योंकि जितना पानी पियेंगे उतना ही डिहाइड्रेशन कम होगा एंड उतना ही आपका इन्फेक्शन कम होने के चांसेस रहते हैं। अदर देन दिस वन शुड ऑल्सो ईट विटामिन रिच फूड्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। टू यूज गिटी भी नहीं जा रही भाई,
दिस टाइम आई एम ऑल्सो फेसिंग एन एलर्जी रिगार्डिंग इट. माई हैंड्स एंड माई लेग्स ऑल ओवर देर आर सम रेड मार्क्स. मुश्किल से गिटी है. Even though when I am doing voiceover of this video, I am feeling little bit of dizzy. Fever bhi aa raha hai halka halka, but yeah, anyway, I am better than I am in this video. Finally, we are at the sham of the day. और यहाँ पे मैं बैठी हूँ मेरे भाई के साथ, कुछ चिट चैट सेशन करने वाली हूँ मैं. इसके मज़े लिए मैंने थोड़े से, तब जाके मेरा मूड लाइट हुआ है. और टू बी ऑनेस्ट, मेरा भाई अब मेरे पास आके बैठ चुका है. ये अब जाएगा स्कूल और अपने दोस्तों को बताएगा, देख मेरी दीदी की व्लॉग में मैं दिखाऊँ. एंड जस्ट मेरे दोनों भाई बहनों को ये कंधा बहुत पसंद है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. अगली वीडियो तक प्रॉमिस है मेरा कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर आपको दिखूँगी. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मेरी तबीयत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. ओके बाय.